नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां न्यूयॉर्क के नसाउ इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को 6 रन से जीत दिला दी है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी रोहित सेना, सिर्फ 119 रन ही बना सकी। इसके जवाब में पाकिस्तान का स्कोर एक समय 13वें ओवर में 2 विकेट पर 73 रन हो गया था, और इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने बाजी पलट दी। 120 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाक टीम सिर्फ 113 रन ही बना सकी। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 3 और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट झटके। अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट चटकाया। मोहम्मद सिराज ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने का प्रयास किया। हालांकि अक्षर पटेल 20 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम ने आखिरी में 7 विकेट सिर्फ 30 रनों के अंदर गवाए। भारत के लिए ऋषभ पंत सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 31 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 42 रनों की पारी खेली। उनके अलावा अक्षर पटेल ने 20 रन बनाए, तो कल का मैच बेहद ही शानदार रहा और एक बार फिर से जीत दर्ज की है भारत ने। तो कल के मैच को मिलाकर के अगर हम बात करें, 8 बार मैदान में पाकिस्तान और भारत रह चुका है, जिसमें से 5 बार पहले भारत ने जीत हासिल की थी। कल एक और जीत हासिल हुई, 6 जीत हासिल हो चुकी है। इसमें 1 बार, 8 बार में 1 बार पाकिस्तान जीता, 1 मैच सफल नहीं हो पाया था। और चलिए एक और बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहां तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस पर संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग कर दी। आतंकी हमले के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वो खाई में गिर गई, और इस घटना में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 3 बच्चों समेत 32 लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ितों के परिवार वालों की मदद के लिए रियासी प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर 01991245639, 01991245076 और साथ ही 01912542000 ये नंबर जारी किया गया। पुलिस के मुताबिक तीर्थयात्री बस से रियासी के शिवखोरी से दर्शन कर वैष्णो देवी जा रहे थे, और तभी आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया। सभी तीर्थयात्री दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब तक कई सारी मौतें, कई सारे घायल, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया, अस्पताल में सभी भर्ती हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस पर आतंकी हमला हुआ, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर खाई में किस तरह से बस गिरी और श्रद्धालुओं की मौत हुई, उनका रेस्क्यू किया गया। सुरक्षा बल जो है सर्च ऑपरेशन चलाता रहा। आतंकियों पर कड़ा एक्शन भी होगा, ये अमित शाह के द्वारा कहा गया। तो रियासी में आतंकी हमले के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां आतंकियों के खात्मे की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। यात्रियों पर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में कुछ लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। गायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है, उनको उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवादी घात लगाकर छिपे होते हैं, उन पर हमला करते हैं, ऐसी घटनाओं से हम सबको निजात कब मिलेगा? आपके शपथ समारोह के बाद आप एक हाई लेवल की बैठक कीजिए। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो सहयोग आप विपक्ष से चाहेंगे, विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। हमें इस विषय में राजनीति नहीं करनी,
हमें जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुक्त जम्मू कश्मीर चाहिए। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, श्रद्धालुओं की बस पर गोलीबारी, कायराना करतूत का मिलेगा करारा जवाब। खाई में गिरी बस, चारों तरफ मची चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल और सुरक्षा बल की चौकसी। ये किसी हादसे की तस्वीर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की तस्वीर है। आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस को निशाना बनाया, बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे ड्राइवर ने बस पर से अपना संतुलन खो दिया और श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में जा गिरी। हुआ क्या है यहाँ पे? आप कहाँ गए थे? आप भी ऊपर बैठो, आप भी ऊपर बैठो आंटी, आप भी ऊपर बैठो आंटी जी। आप गए कहाँ पे थे? ये शिवखोड़ी कंडा इलाका जो है वो राजौरी के साथ, राजौरी जिले के साथ सटा हुआ इलाका है। कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वो राजौरी की जो है वो सरहद शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आती है जहाँ पर आतंकी जो है वो पहले से ही घात लगा करके बैठे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी जो थी वो बस के चालक के ऊपर और बस के टायर के ऊपर जो थी वो की थी। ऐसी जो है वो जानकारी फिलहाल हमारे पास पहुँच पा रही है। संदिग्ध आतंकवादियों की गोलीबारी में बस में सवार 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टूवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं, उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। संदिग्ध आतंकियों ने शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं की बस पर ओपन फायरिंग की, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया, इसके चलते बस खाई में गिर गई। इस बस में सवार ज्यादातर श्रद्धालु दिल्ली और उत्तर प्रदेश के थे। आतंकियों की तरफ से हुए इस कायराना हमले के बाद सुरक्षा बल ने शिवखोड़ी मंदिर इलाके को सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया। हम उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जिस घटनास्थल पर आतंकियों ने जो है वो कायराना हरकत की है, और उसके बाद जो है वो ये आप मुस्तैदी जो है वो सुरक्षा एजेंसीज की समय साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या आर्मी के जवान हो, वो फिलहाल जो है अपनी पोजीशन पर इस समय जो है वो अलर्ट हैं और आतंकियों को जो है वो जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा। यही एक कोशिश जो है इन सुरक्षा एजेंसीज के सभी जवानों की बनी हुई है। सूत्रों का दावा है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकी उसी ग्रुप के सदस्य हैं जो राजौरी, पुंछ और रियासी के पहाड़ी जंगलों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल की शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 2 किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उधर रियासी में हुए आतंकी हमले की केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निंदा की और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की घटना से दुखी हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और DGP से बात की है और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और वहाँ के हालातों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कायर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आज नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे यह बैठक होगी, मोदी कैबिनेट की पहली यह बैठक होगी। तमाम नए मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। तो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। कल ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उसके बाद शाम 5 बजे आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक जिसमें तमाम नए मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट बैठक में आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी जो मंत्री हैं वो भी शामिल होने वाले हैं और आज होने वाली बैठक की तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन आज ये पहली बैठक शपथ ग्रहण के बाद
मोदी कैबिनेट की सभी नए मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है, चूंकि मंत्री मंडल का विस्तार, आखिर किसका पोर्टफोलियो कैसा रहेगा, किसके खाते में कौन सा विभाग आएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें इसी पर रहेंगी। इसीलिए आज की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। चर्चाओं का दौर लंबा चलेगा, सहयोगी दलों के साथ भी लंबा ये दौर चलेगा, किसे कौन सा विभाग देना। हालांकि इस पर चर्चा पहले ही हो चुकी होगी कि किसे कौन सा विभाग देना है, पर फिर भी आज सभी मंत्रीगण बैठेंगे, चर्चा होगी और उसके बाद जल्द जो है पोर्टफोलियो भी सामने आएगा। तो देखिए, आज नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कैबिनेट के साथ मीटिंग लेने वाले हैं और जैसा कि रितु बता रही हैं कि आज प्रमुख जो बैठक होने जा रही है इसमें मंत्रियों के विभागों की जानकारी और साथ ही उनके कार्य प्रभार की भी समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेकर इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये देखिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तमाम वो मंत्री जिन्होंने कल शपथ ली। और एक बार आपको नाम ही बता दें, गिरिराज सिंह, एसडी कुमारस्वामी, धर्मेंद्र प्रधान, जीताराम मांझी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और जिस तरीके से राजीव रंजन सिंह, सर्वानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ये भी कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ ले चुके हैं, राममोहन नायडू और साथ ही प्रहलाद जोशी ने भी शपथ ग्रहण किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी 3.0, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 2024 शाम 7:15 पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। निर्वहन करूंगा। चेहरे पर तेज, आत्मविश्वास से भरी चाल और 8,000 मेहमानों के बीच पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह देखते ही बन रहा था। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हजारों कैमरे और सैकड़ों चैनल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उस लम्हे की तस्वीर भेजने में जुटे थे जो दुनिया को दिखा रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सेवा करने की शपथ ले रहा है। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आज दिल्ली पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी। भारत को अपना 21वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिल चुका है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का शानदार समारोह हुआ जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के इस भव्य और विशाल समारोह में 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। 73 साल के पीएम मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपी मेहमानों का तांता लगा हुआ था। राष्ट्रपति प्रांगण को बेहतरीन तरीके से सजाया गया, सजी कुर्सियां, बिछे लाल कालीन शपथ ग्रहण के नजारों को शानदार बना रहे थे। विदेशी मेहमानों की मौजूदगी ने भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को यादगार बना दिया।
जरा देखिए शपथ ग्रहण में कौन कौन से मेहमान कहां से पहुंचे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों से 7 राष्ट्र प्रमुख पहुंचे। विदेशी मेहमानों के लिए पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह यादगार बन गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। पूरे समारोह के दौरान मेहमानों के रिएक्शन देखने लायक थे। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह देखकर हैरान रह गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। वो एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गई थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनुथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी को उन्होंने बधाइयां दी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। नेपाल और भारत के रिश्तों को पीएम मोदी ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। हम आपको ये भी बता देते हैं कि हर बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश की विदेश नीति को ध्यान में रखकर मेहमानों को बुलाया गया है। खास तौर से पड़ोसी देशों का विशेष ख्याल रखा गया है। साल 2014 में 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। साल 2014 में जब पीएम मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली तो उस वक्त पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। वहीं जब नरेंद्र मोदी ने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस वक्त बिम्स्टेक देशों के नेता शामिल हुए थे। जबकि 9 जून 2024 को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वो 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद खास है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 8,000 से अधिक मेहमान शामिल हुए। इसके अलावा देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। फिल्मी सितारे, सांस्कृतिक और कला क्षेत्र के दिग्गज भी समारोह में पहुंचे थे। कॉरपोरेट और बिजनेस घरानों के बड़े नाम और चेहरे भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। शपथ ग्रहण के बाद भारत के 21वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। लगातार तीसरे और देश के 21वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 साल तक देश में एनडीए की सरकार चलाएंगे। अब देखना होगा कि तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी चुनौती से कैसे निपटते हैं और देश को विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ाते हैं। शिवराज सिंह चौहान और जयंत चौधरी को भी मोदी सरकार के कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज चौहान को कैबिनेट मंत्री तो वहीं जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया, जिसके लिए दोनों ने एनडीए नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और अपने मंत्री बनने को सौभाग्य की बात बताया। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत भाव विभोर हूँ, अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा। कोई प्राथमिकता रहेंगी जो 10 साल रही है सरकार की, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। एमपी से 5 मंत्रियों ने शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली कैबिनेट मंत्री की, उन्होंने शपथ ली है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बने हैं कैबिनेट मंत्री, बता दें दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर बनी है राज्य मंत्री, इन्हें राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां से 5 मंत्री बनाए गए हैं। 5 मंत्रियों के नाम हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो नाम है शिवराज सिंह चौहान है, तो साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, वहीं वीरेंद्र कुमार खटीक भी है, वहीं दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर जो है राज्य मंत्री बनाए गए। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बनाए गए हैं, 5 सांसद शामिल किए गए हैं और सबसे मुख्य नाम जो लगातार चर्चाओं में था शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्हें शामिल किया गया है और अब कयास यही है कि बड़ा विभाग उन्हें दिया जा सकता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।